हेलो एवरीवन, वेलकम टू किरण्स बुटीक। ये वीडियो आज रीसेलर्स के लिए स्पेशली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें एक ऐसा टूल मैं बताऊंगा जो आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा। ये वैसे तो एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, बट iOS के लिए आपको सर्च करना पड़ेगा। इस टूल का नाम है क्लिपर। इस टूल के अंदर आप बहुत सारी एंट्रीज पहले से करके रख सकते हैं। सपोज़ आपके जो कस्टमर है वो बारी बारी आपसे कोई ना कोई क्वेश्चन पूछते जाते हैं, जैसे कि आपका एड्रेस क्या है, या पेमेंट कैसे करें, या फिर ट्रैक कैसे करें, या पार्सल कब तक आ जाएगा। तो वो जो सारे आंसर्स हैं ये क्लिपर के अंदर आप पहले से सेव करके रख सकते हो, और अलग अलग कैटेगरी वाइज। अब मैं आपको थोड़ा सा इसको यूज़ करके दिखाता हूँ। आपने क्लिपर को इंस्टॉल करने के बाद में बॉटम राइट कॉर्नर पर एक प्लस का आइकन आएगा, आपने वहाँ पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे कोई भी इन्फॉर्मेशन जो आपने कस्टमर के साथ शेयर करनी है उसके बारे में आप लिख सकते हो, जैसे कि डिस्काउंट इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पे आपने डिस्काउंट के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपने यहाँ पे पूरी की पूरी टाइप करके रख लेनी है। मैं कुछ ऐसे कुछ भी टाइप करके एक बार मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। अब मैंने इसको कर दिया सेव। अब अगर कोई भी पर्सन, जैसे सपोज़ ये इन्होंने मेरे को कोई मैसेज किया कि डिस्काउंट कैसे मिलेगा, तो मुझे क्या करना होगा, टॉप से थोड़ा सा स्लाइड करना है। ये नोटिफिकेशन एरिया के अंदर ही आपका क्लिपर का यहाँ पे आ जाएगा हमेशा। इसको मैंने क्लिक करना है, ये मेरी वो लिस्ट आ गई, मैंने सबसे नीचे वो डाली थी डिस्काउंट इन्फॉर्मेशन, इस पर मैंने क्लिक किया तो ये ऑटोमेटिकली मेरे पास कॉपी हो गया क्लिपबोर्ड के अंदर। अब मैंने यहाँ पर ऐसे पेस्ट कर देना है, सिर्फ जो भी मैंने पेस्ट किया ना वो इनको ऑटोमेटिकली चले जाएगा। तो इससे आपका बहुत सारा टाइम बचेगा, बारी बारी आपको टाइप नहीं करना पड़ेगा, और आप अपने कस्टमर्स को बहुत क्विकली रिस्पॉन्स दे पाओगे। इसमें आप एक और काम भी कर सकते हो, इसमें अगर आपको कैटेगरीज भी डिवाइड करनी है तो आपको सबसे पहले जाना है लिस्ट पे। लिस्ट में जाके ये मैंने अलग अलग कैटेगरीज बनाई हुई है, ऐसे ही आप कोई भी न्यू कैटेगरी बनाने के लिए यहाँ पर क्लिक करोगे, उस कैटेगरी का नेम दे दोगे। जैसे मैंने न्यू कैट दिया क्रिएट। अब न्यू कैट के अंदर जाके आप न्यू कोई भी लिस्ट बना सकते हो, जो भी इन्फॉर्मेशन कस्टमर को देनी होती है, जैसे पेमेंट इन्फॉर्मेशन। तो आप यहाँ पे पहले से अपने अकाउंट की डिटेल यहाँ पे सेव करके रख सकते हो, या फिर आपके प्रोडक्ट की जो डिस्क्रिप्शन है उनके लिए आप अलग अलग से ये क्लिपर की लिस्ट बना सकते हो, ताकि बारी बारी से किसी को टाइप कर करके ना बताना पड़े। सिंपल एक क्लिक करोगे और वो कॉपी हो जाएगा क्लिपबोर्ड में, वो चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, या व्हाट्सअप हो, किसी भी एप्लीकेशन में जाके आपको सिंपली पेस्ट करना है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी और क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, या किसी और टूल के ऊपर आपको वीडियो चाहिए तो वो भी हमें बता सकते हैं, हम आपके लिए वो वीडियो बना देंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।